दोस्तों एक बार एक झील का पानी बहुत ऊंचा उछलने लगा। जो नावें चल रही थी वह बुरी तरह थरथराने लगी। लहरों का पानी नावों के अंदर पहुंचने लगा तो यात्रियों के भय का ठिकाना ना रहा। एक नाव के एक कोने पर कोई बेफिक्र व्यक्ति सोया पड़ा था। साथियों ने उसे जगाया। जागकर उसने अपने साथियों से पूछा, आखिर इसमें डरने की बात क्या है? तूफान भी आते हैं, नावें भी डूबती है और मनुष्य भी मरते हैं। इसमें ऐसी क्या अनहोनी की बात हो गई जो आप लोग इतनी बुरी तरह हड़बड़ा रहे हो? सभी यात्री सुनकर अवाक रह गए। उस बेफिक्र व्यक्ति ने कहा, विश्वास की शक्ति तूफान से भी बड़ी होती है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते कि यह तूफान क्षण भर में बंद हो जाएगा? भयभीत यात्रियों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस अलमस्त ने आंखें बंद की और अपने अंदर की झील में उतरकर पूरी शक्ति के साथ बोला कि यह तूफान शांत हो जा। आंखें बंद करके उसने 3 बार ये बात बोली और कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। सहमे हुए नटखट बच्चे की तरह नाव का हिलना भी बंद हो गया। यात्रियों ने चैन की सांस ली। अब उस अलमस्त व्यक्ति ने यात्रियों से बोला कि जब विश्वास बड़ा है तो तुमने तूफान को उससे भी बड़ा क्यों मान लिया? दोस्तों दिल से डर निकालकर हिम्मत को स्थान देना चाहिए, तभी हर कार्य में सफलता मिलती है। यही है विश्वास की शक्ति। विश्वास का सहारा लेकर आप बड़े से बड़े तूफानों से भी बाहर आ सकते हैं। जब भी हम कोई कार्य पूरे विश्वास व लगन से करते हैं तो उसमें सफलता मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा बना रखा है, ऐसा लक्ष्य जो किसी दूसरे की दृष्टि से असंभव हो, जिसकी प्राप्ति किसी अनहोनी घटना से कम ना हो, उसे भी इसी विश्वास के सहारे प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपको यदि अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर पूरा भरोसा है तो फिर निश्चिंत होकर लक्ष्य प्राप्ति में पूरी लगन से जुट जाओ। तब आप खुद देखोगे कि अनहोनी कैसे घटित होती है। वो कहते हैं ना कि असंभव को संभव वही कर दिखाते हैं जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। वैसे भी विश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर उसे अधिक क्षमतावान बनाती है, जबकि संदेह यानी शक ऊर्जा की स्थिति को बाधित कर उसे कमजोर कर देता है। मतलब कि विश्वास एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देता है और इसकी वजह से आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी खुद खत्म होने लगती है। इसलिए अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से काम करने में लगाओ, नेगेटिव तरीके से नहीं। आपने एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यानी बात बहुत पहले से सीधी और साफ है। यदि आपके मन का विश्वास जरा भी डगमगाता है तो आपके लक्ष्य कहीं ना कहीं छूटने लगेंगे। विश्वास की ताकत का अंदाजा रामायण जैसे ग्रंथ से भी लगाया जा सकता है कि कैसे श्री राम भक्तों ने एक ऐसा पुल बनाया जिसके पत्थर खुद ब खुद पानी पर तैर रहे थे। उन्होंने भी यदि अपने मन में शंका रखी होती तो ना तो वो पुल बनता और ना श्रीराम युद्ध लड़ने वहां जा पाते। यानी लक्ष्य चाहे जो भी हो, एक विश्वास की ताकत आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। तो आज से ही हर काम को शक की नजर से देखने की बजाय विश्वास से भरी नजरों से देखना शुरू कर दो, कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको हमसे कोई सवाल करना है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना भी ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।